और भाई क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब। तो गाइस आज मेरे पास काफी सारी स्टोरीज है, जैसे कि क्या फ्री फायर एंड पबजी वर्ल्ड यानी कि BGMI इंडिया से बैन होने वाला है। देन टेक्निकल गुरुजी जो कि एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर है विद ओवर 20 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, उनको फ्री फायर की ऑडियंस की तरफ से हेट मिल रहा है। पूरा मैटर क्या है मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और टू साइड गेमर अपने लाइव स्ट्रीम पे कुछ स्पैमर्स के ऊपर गुस्सा हो गए और इसी तरह से बहुत सारे अपडेट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा वरना आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। लेकिन उससे पहले अगर आप इसी तरह से पूरे कम्युनिटी के न्यूज एंड स्टोरीज जानना चाहते हो तो भाई जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ जहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि भाई पूरे कम्युनिटी में क्या कुछ चल रहा है। एनीवेज तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं बॉस ऑफिशियल के बारे में। सो आज हमने श्राप एक स्टोरी पोस्ट किया जहाँ वो इनडायरेक्टली किसी को टारगेट करते हुए कुछ ये कहे, आजकल ई-स्पोर्ट के नाम पे पॉलिटिक्स चल रहा है, मामू लोग मामू बना रहा, क्या बोलते हो सुधार दिया जाए, क्या लगता है आपको वो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ एंड आते हैं वाले टू साइड गेमर के ऋतिक के बारे में। सो कल जो मेरे चैनल पे लाइव आए तो बहुत सारे लोग उनके लाइव चैट में #justiceforindianserver और इसी तरह से बहुत सारी चीजें स्पैम कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में वो तो ये सबको इग्नोर किए, बट उसके बाद कुछ लोग उनको ये बोलने लगे कि तू हमें इग्नोर नहीं कर सकता या फिर तेरे को हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि हमारे वैसे तो यूट्यूब पे पैसा कमाता है। एंड ये चीज उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो थोड़े से गुस्सा हो गए। अब देखिए वो क्या कहे। इधर मत चलाओ भाई, सीधी सी बात, मैं अच्छे कमेंट्स पढ़ने के लिए लाइव आता हूँ, ये आप लोगों सुनने में लाइव नहीं आता हूँ। तो भाई अच्छा कमेंट करना है करो, वरना जाके अपनी अम्मा, ठीक है, तो इधर ना करे, सीधी सी बात, अच्छे खासे स्ट्रीमर की मूड की ये बहन मत किया करो। और जो भी आपको ये सब स्पैम करने बोलता है ना, वो उसको जाके चार गाली डाल के आ जाओ भाई, इधर मेरे सामने स्पैम भी मत करो। तो भाई स्ट्रीमर की चैट में मत लिखा करो ना, गरीना वाले की चैट में लिखो, उधर लिखो। एक स्ट्रीमर स्ट्रीम करने आता है तो वो कुछ अच्छे कमेंट्स पढ़ने आता है, कुछ अच्छे से मस्त बातें करने आता है, वो आपके लिए मतलब बार बार रोज एक ही चीज नहीं पढ़ने आएगा कि भाई जस्टिस ये, जस्टिस वो, जस्टिस ये, तो फिर मतलब क्या भाई, यही करना था तो फिर क्या मतलब स्ट्रीमिंग का। फिर जिधर जिधर मतलब हो ना उधर जाके स्पैम करो, उधर जाके ये करो। हमारे चैट में स्पैम करने से क्या होगा भाई, प्ले स्टोर में जाके लिखो, ऐप स्टोर में जाके लिखो, गरीना के पेजेस पे जाके लिखो, बट फिर हमारे स्ट्रीम पे आके क्यों लिख रहे हो भाई, तो समझो यार, थोड़े मैच्योर बन जाओ भाई। भाई तुझे सब कुछ मिला, डायमंड वगैरह, गरीना से कुछ नहीं बोलता तू। अरे ठीक है भाई, ठीक है भाई, आप बच्चे हो यार, बच्चे रहो, बच्चे से बड़े मत बनो, बस बच्चे ही रहो आप लोग, इन चार पांच बच्चों को बाद में समझेंगे। भाई तू हमारी वजह से चैनल ग्रो हो रहा है, तू हमें कुछ नहीं बोलेगा, गरीना के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, तू पार्टनर प्रोग्राम में है ना, बोलेगा तो डायमंड कहाँ से मिलेगा, तू हमें बच्चा बोल रहा है, ठीक है भाई। वाह वाह क्या लिखे हो, क्या मजा आ गया, ऐसे वैसे लिख भाई आप तो बहुत मैच्योर निकले भाई, आप तो मेरा चिल्ला चिल्ला के स्कीमें बता रहे हो भाई, मैं पार्टनर प्रोग्राम में हूँ भाई, मेरे को डायमंड नहीं मिलेगा भाई, गरीना डायमंड दे दो भाई। जो ये स्पैम कर रहे ना, ये अपने आप को मैच्योर समझते हो, तो देखो कहीं ना कहीं भाई मैं गरीना को कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, गरीना मेरे को डायमंड नहीं देगी फिर मैं रो दूंगा, गरीना मेरा खाने पीने का बंद कर देगी, मेरे पे डायमंड नहीं होंगे, मैं कपड़े कैसे लूंगा। इससे अच्छा इतना स्पैम कर रहे हो, इससे अच्छा खुद ही गन्स की नट आके खुद ही खेलो गाइस, सीधी सी बात, इतनी एकता दिखानी है तो दिखाओ सब, फिर हटा लो गन स्किन भाई, क्यों लगा के खेल रहे हो गन स्किन। अरे यूनिक गार्डन भाई जो पैसे आ रहे हैं वो हमारे वजह से आ रहे हैं, अगर हम नहीं देखेंगे तो तू यूट्यूब से पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये बोल बोल के मेरे को मेरे तेरे पैसे ले ले भाई। ये बंदा इतना बोल रहा है भाई कि मैं हूँ तो तू है, अरे तो भाई जो मेरे सपोर्टर है ना वो है तो मैं हूँ, तेरी वजह से मैं नहीं हूँ, ठीक है, तेरे जैसे 100 आते हैं तो तेरी वजह से तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और तू मेरे को एक रुपया कमा के नहीं दे रहा भाई, ऐसा ही लग रहा है खुद यूट्यूब खोल ले खुद चला ले, ठीक है। तो भाई जो मेरे सपोर्टर है उनकी वजह से मैं हूँ और उनको पता है कि भाई मैं उनको कितना मानता हूँ, ठीक है, तुम जाके अपनी बेस्ट चराओ। एंड टू साइड गेमर के रिगार्डिंग एक और स्टोरी है। सो गाइस अगर तो आप यूट्यूब पे एक्टिव रहते हो तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया ही होगा कि लास्ट कुछ दिनों से बहुत सारे यूट्यूबर्स बैन फ्री फायर या फिर फ्री फायर बैन को लेकर वीडियो बना रहे हैं। तो इसी के वजह से वो कहे कि काफी क्रिएटर्स को पैसा दिया जा रहा है ये बोल के कि तू इतना इतना पैसा ले और इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना या फिर सिंपली फ्री फायर गेम के नाम को बदनाम कर। मैं आपको उन्हीं के लाइव स्ट्रीम से एक छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी सीन्स भी आ रहे बाहर कुछ कुछ, वो भले फेक, मैंने सुना है फेक न्यूज भी आती है, बहुत सारे फेक लोग भी अभी आजकल गाइस फ्री फायर बैन वीडियोस के प्रमोशन चल रहा है, आपको पता है फ्री फायर बैन करके वीडियो बन रहे लोग बनाते हैं, तो वो सिर्फ पेड प्रमोशन है। मेरे को एक लेजेंड को एक जन का ऑफर आया था 30,000 रुपये ले फ्री फायर बैन पे वीडियो बना, तो ये सब मत करो यार,
पैसों के लिए गेम का ये मत खराब करो गाइस। तो बहुत सारी फेक न्यूज़ भी होती है, वो सब भी आप बिना देखे प्रमोट मत करो, कंफर्मेशन के बिना प्रमोट मत करो, तो ये सब फॉरवर्ड भी मत करो आप लोग। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ, अनाथ करने वाले 2B गेमर के बारे में। सो आज अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए एंड ये बेसिकली स्टोरी टाइम वीडियो था, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो किस तरह से जीरो से लेके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ, अनाथ करने वाले पहाड़ी गेमिंग के बारे में। सो आई थिंक आप में से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि एक मोबाइल प्लेयर है एंड सारे टूर्नामेंट्स लाइव स्ट्रीम सब कुछ मोबाइल से ही करते हैं। लेकिन रिसेंटली जब अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो कुछ लोग उनको पीसी प्लेयर के साथ कंपेयर करने लगे और बोलने लगे कि ये यूट्यूबर तेरे से ज्यादा अच्छा खेलता है, वो यूट्यूबर का मूवमेंट तेरे से ज्यादा अच्छा है, एंड इसी तरह से बहुत सारे कमेंट्स आप लोग समझ ही गए होंगे। एंड ऑब्वियसली ये चीज किसी भी मोबाइल प्लेयर को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप उसको एक पीसी प्लेयर के साथ कंपेयर करोगे और बोलोगे कि वो तेरे से बेटर है। एज अ रिजल्ट ये सारे कमेंट्स पढ़ के वो थोड़े से गुस्सा हो गए। आप देखिए वो क्या कहे। अल्फा गेमर तुझसे फास्ट स्विच करता है मेरे भाई। अल्फा गेमर मेरी तरह, मैं टारगेट नहीं कर रहा ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ, अल्फा गेमर मेरी तरह टूर्नामेंट में MVP नहीं बनता ना, मेरे से अच्छा बहुत खेलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से अच्छा कोई नहीं खेलता, और मैंने कभी ये भी नहीं बोला कि यार मैं ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ, मेरे से अच्छा बहुत खेलते हैं। तुम लोगों पर पता तुम्हारी मैंटेलिटी क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो ना समझ लोग होते हो कुछ, तुम्हें चाहिए कि बंदा एक गोली मारे और वो हेड पे लगे ठीक है, और तुझे वो नहीं पता कि वो जो एक गोली मार के हेड पे लगने वाले वो मॉन्टेज होते हैं ठीक है, वो एक एक हफ्ते में बनते हैं, या एक एक पूरे दिन खेल के तब वो क्लिप्स बनती है। 100 मैच खेलेगा तब तेरे 10 मैच खेलेगा 4-5 क्लिप बनेगी अच्छी वाली, वो वाली चीज होती है ठीक है, वो मटेरियल अलग है। मैं उस स्टेज से मैं बाहर आ चुका हूँ ठीक है, मैं भी पहले यही करता था ठीक है, पूरे दिन खेलता था, एक अच्छी मॉन्टेज बनाता था, वो डालता था, वो उस चीज से मैं बाहर निकल चुका हूँ, और वो बंदे उस चीज में अटके हुए हैं अभी, समझ रहा है। तो तू भी उन बंदों में से एक है कि तू भी उस चीज में अटका हुआ, तो उससे बाहर कभी जिंदगी में नहीं निकल पाएगा, उससे बाहर निकलेगा तब तेरे को ई-स्पोर्ट दिखेगा, समझ रहा है ना। वो वन टैप, वो हेडशॉट धरे के धरे रह जाते हैं, पता है जब तू किसी बड़े टूर्नामेंट को बैठ के खेल रहा होगा ना अपनी टीम के साथ, वो सब चीजें धरी की धरी रह जाती है, वहां तब हेड काम नहीं आते, वहां पे काम आती है बॉडी। ये बच्चों वाली हरकतें है ना, ये छोड़ दो, मैच्योर हो थोड़ा, लाइफ में कुछ करना है ना तो थोड़ा हर किसी को अच्छी नजरों से देखना सीख भाई, कंपेयर क्यों करते हैं यार दूसरों को। तो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, अनाथ करने वाले गेमिंग विद करण के बारे में। सो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि हर एक यूट्यूबर कभी ना कभी कंटेंट बनाने के लिए ऑटो मैच ऑन करके खेलता है, मतलब कि रैंडम टीममेट्स के साथ खेलता है। तो जब यही सेम चीज गेमिंग विद करण कर रहे थे तो उनके सामने कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो उनको हरा के टैग करने लगते हैं और थोड़ा गाली वगैरह देने लगते हैं। तो उन्हीं लोग को रिप्लाई करते हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट किए जिसमें वो कहे कुछ सी हम लोग को 3-4 से हरा कर टैग करता है, बट उनको ये पता नहीं रहता कि 3 रैंडम प्लेयर्स होते हैं, औकात है तो आओ कभी हवेली पर रैंडम प्लेयर्स के साथ हरा के टैग करते हो। तो इसलिए बढ़ते अगले स्टोरी तरफ, अनाथ करने वाले फ्री फायर एंड पबजी मोबाइल यानी कि BGMI के बारे में। सो गाइस एक जज है जिनका नाम है ADG नरेश कुमार लाका, तो इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर भेजा है जिसमें वो रिक्वेस्ट किए हैं कि फ्री फायर एंड BGMI गेम्स को बैन कर देना चाहिए, और इसका रीजन उन्होंने ये बताया है कि इन जैसे गेम्स को खेलकर बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है एंड वो मशीन्स बन रहे हैं। वैसे आप लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड फ्री फायर और BGMI बैन का बात चल रहा है तो एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर है टेक्निकल जी, वो आज अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए बाय टाइटल टेक टॉक्स BGMI फ्री फायर इंडिया बैन, और यहाँ पर उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया जिसकी वजह से अभी के टाइम में उनको फ्री फायर ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। जी हाँ गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे लाइक टू डिसलाइक रेशियो, अब वो कौन सा क्लिप है जिसकी वजह से उनको हेट मिल रहा है मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। में इंडिया में पबजी और गरेना फ्री फायर के बैन को लेके जहां पर दोस्तों इंडिया में एक जज ने जो है वो दोस्तों लिखी है चिट्ठी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को, जहां पर दोस्तों ये जो है नरेश कुमार लखा जी ये बोलते हैं कि ये जो गेम्स हैं ये बेसिकली बच्चों के लिए ठीक नहीं है, जो काम पहले पबजी कर रहा था वो काम अभी ये जो फ्री फायर है और BGMI वगैरह है ये गेम्स कर रहे हैं, तो इनको बैन कर देना चाहिए हमारे देश में। लाइक कीजिए और बताइए कि आप चाहते हैं कि पबजी और फ्री फायर चला भी जाए तो करो, BGMI रहना चाहिए, BGMI जो है वो खेल जाना चाहिए। बाकी अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हाँ भाई अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो भाई जरूर से कर लीजिएगा, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मतलब कि हर जगह दे दिया है, तो हाँ जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, और मैं आपको मिलूंगा फिर किसी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।